ओके तो भाई फाइनली रेसलमेनिया 40 का टीजर लॉन्च हो चुका है और पूरे टीजर में सिर्फ हमें एक ही चीज देखने को मिल रहा है, रोमन रेंज रॉक वर्सेस कोडी रोड्स से थ्रॉलेंस। लिटरली डब्ल्यूई वाले इसके अलावा पूरे ट्रेलर के अंदर हमें कुछ भी चीज नहीं दिखाई है। एग्जैक्टली क्या कुछ पूरा कहानी है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे अपडेट को कवर करने वाले आज की इस वीडियो के अंदर। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कल होने वाले मंडे नाइट रॉक के बारे में। तो भाई कल के मंडे नाइट रॉक पर डब्ल्यू वाले बहुत सारे कमाल धमाल की चीजें करने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ने बहुत सारे चीजों को ऑलरेडी पहले से एडवर्टाइज कर दिए कल के मंडे नाइट रॉक। जैसे सबसे पहले आपको कल के मंडे नाइट रॉक पर आपको जेडी मैकडोना वर्सेस आर-ट्रूथ के बीच में एक मैच देखने को मिलने वाला है। और मेरे ख्याल से भाई इस मैच का एंडिंग कितना फनी तरीके से होने वाला है सारे लोगों को पता है, शायद से इस मैच के अंदर आर-ट्रूथ में भी विन कर सकते हैं। इसके बाद आपको कल के मंडे नाइट रॉक पर आपको तीन लोगों का टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है, जे उसो की टीम वर्सेस गुंथर के टीम के बीच। और इस चीज का ऑलरेडी हिंट हमें पिछले मंडे नाइट रॉक पर मिल गया था। देखते हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस मैच के अंदर कौन सा टीम को विक्ट्री दिलाती है। इसके बाद आपको कल के मंडे नाइट रॉक पर आपको जोय स्टार्क वर्सेस ली मॉर्गन के बीच में आपको सिंगल मैच भी देखने को मिलने वाला है। मे बी भाई ये मैच क्वालिफिकेशन के लिए होने वाला है, शायद से एलिमिनेशन चेंबर के लिए। साथ ही साथ आपको कल के मंडे नाइट रॉक पर आपको बॉबी लेस्ली वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच में मैच देखने को मिलने वाला है, ये भी मैच क्वालिफिकेशन के लिए ही होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर के लिए। भाई कल का मंडे नाइट रॉक बहुत बेहतरीन होने वाला है, साथ ही साथ कल के मंडे नाइट रॉक पर आपको ड्रू मैकइंटायर भी देखने को मिलेंगे सेथ रॉलिंस के साथ। भाई देखते हैं कल का रॉक कैसा होता है, होप तो भाई बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट में बात करते हैं रेसलमेनिया के किक ऑफ शो के बारे में। तो भाई डब्ल्यू वाले ने कितना कुछ उखाड़ा रेसलमेनिया के किक ऑफ शो के अंदर, सारा कुछ रिवील हो चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डब्ल्यू वाले ने सारे सोशल मीडिया पर 12 घंटे के अंदर 100 मिलियन से ज्यादा यहाँ पर व्यू लाया है। साथ ही साथ भाई 4.7 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे मतलब इस पूरे शो को। साथ ही साथ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का अभी तक का सबसे सक्सेसफुल इवेंट बना जो कि रिंग के अंदर परफॉर्म नहीं किया गया, मतलब किसी मैच के अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऑडियंस किसी भी चीज को सबसे ज्यादा देखें तो इस बार का किक ऑफ शो ही था। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मतलब हर एक साल जैसे इंटर करते जा रहे हैं मतलब हर एक साल नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जस्टिन बीबर के बारे में। तो भाई मेरे ख्याल से सारे लोगों को पता होगा मे बी अमेरिका के एक बहुत पॉपुलर एक सिंगर हुआ करते थे। और भाई उनका रिसेंट हमें एक फोटो वायरल हुआ है जहां वो मेट्रो के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियंस बेल्ट लेकर घूम रहे हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी का फोटो वायरल हो रहा है जिसके अंदर मतलब सारे लोगों के हाथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियंस बेल्ट। मेरे ख्याल से सारे अमेरिका के पॉपअप सिंगर होंगे पर मैं बहुत लोगों को पहचानता हूं इसलिए मैं किसी का नाम भी नहीं बताने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं रेसलमेनिया 40 के बारे में। तो भाई रेसलमेनिया 40 का टीजर लॉन्च हो चुका है, डब्ल्यू वाले सिर्फ एक ही चीज को प्रमोट कर रही है पूरे टीजर के अंदर। आप लोग यहां पर देख सकते हैं टीजर के स्टार्टिंग में एक साइड से कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस चलकर आ रहे हैं, अपोजिट साइड से यहाँ पर रॉक और रोमन रेंज चलकर आ रहे हैं। और बस पूरे टीजर के अंदर हमें दोनों रेसलर का हमें फेस ऑफ दिखाया गया, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। साथ ही साथ हमें रोमन रेंज और कोडी रोड्स का भी फेस ऑफ दिखाया गया था, पर भाई मतलब एक दूसरे के सामने मतलब बिल्कुल एक खड़े थे। और अभी करंट टाइम भाई इस पूरे चीज के लेकर क्या कुछ बात चल रहा है मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूं। देखो सबसे पहले भाई जो ह्यूज रिपोर्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंग डब्ल्यू वाले एक टैग टीम मैच करवा सकती है दोनों टीम के बीच। भाई आप लोग याद रखिएगा ये जो ट्रेलर है रेसलमेनिया 40 का ट्रेलर है, तो भाई मुझे नहीं लगता डब्ल्यू वाले रेसलमेनिया 40 के अंदर एक टैग टीम मैच करवाने वाली है। मतलब भाई इसका कोई सेंस ही नहीं बनता कि डब्ल्यू वाले कभी भी टैग टीम मैच की तरफ जाने वाले रेसलमेनिया 40 के अंदर, कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर आपको ये लगता है कि भाई डब्ल्यू वाले एलिमिनेशन चेंबर के अंदर टैग टीम मैच करवा सकते हैं तो भाई ये रेसलमेनिया 40 का टीजर है, एलिमिनेशन चेंबर का नहीं है। तो इस पूरे टीजर के अंदर रेसलमेनिया 40 के बारे में बात हो रहा है तो मतलब इस मैच का कोई सेंस नहीं बनता। दूसरी चीज भाई अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि सेथ रॉलिंस के सामने रॉक खड़े मतलब रॉक ऐसे सेथ रॉलिंस को चैलेंज कर सकते हैं, इस बात का भाई टीज करंट है बहुत ज्यादा निकल कर सामने। भाई मेरे ख्याल से अगेन ये चीज बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना। एक तरफ अगर ट्रिपल एच और रॉक का अगर मैच का कुछ आता तो मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लेता, पर सेथ रॉलिंस वर्सेस रॉक के मैच को मैं नहीं एक्सेप्ट करने वाला। भाई डब्ल्यू वाले इस मैच को नहीं करवाने वाले। वैसे भाई अगर आपको ये लग रहा है कि रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच बिल्कुल सेटअप हो चुका है रेसलमेनिया 40 के लिए तो भाई ये चीज सच्चाई नहीं है। सिर्फ ट्रिपल एच इस मैच को अनाउंस किया, अभी भी करंट टाइम में रॉक इस मैच के ऊपर हां नहीं भरे। भाई करंट टाइम में रॉक भी पावर के अंदर है। अगर आप लोग को याद होगा तो किक ऑफ शो के बैक स्टेज रॉक जाकर ट्रिपल एच को बोलते हैं कि बेटा इसको फिक्स ऑफ कर ले। बार बार यहां पर रॉक जब फिक्स करने का बात करे मतलब ये दोनों सेटिस्फाई इस मैच से स्टिल नहीं है। भाई रेसलमेनिया 40 में इन चारों रेसलर के बीच में क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, पर भाई बहुत सारे आपको चेंजिंग देखने को मिलेंगे। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जब रिसेंट टाइम में टीजर को लॉन्च किए तो हमें और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दें कि मतलब भाई होने क्या वाला आखिर में। वैसे अगर आप लोग को इसके बारे में अगर कुछ बोलना है तो भाई सारे लोग जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने ट्रैवल चिप रोमन रेंज के बारे में। तो भाई आप लोग को रोमन रेंज के बारे में यह चीज बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि सोलो सिकोवा का भी निगाह रोमन रेंज के ऊपर। इस चीज को बहुत सारे लोग करंट टाइम में भूल चुके हैं पर भाई आप लोग को भूलना नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर डब्ल्यू वाले अगर रोमन रेंज और सोलो सिकोवा के मैच को अगर प्लान किए तो भाई इसी टाइटल रेन के अंदर ये मैच हो जाना चाहिए। आप लोग समझो कि ये चीज कितना फुद्दू लग गया कि रोमन रेंज के पास कोई भी टाइटल नहीं उसके बावजूद ही कौन बनेगा ट्राइबल चीफ, इसके लिए दोनों फाइट कर रहे हैं। तो भाई इस चीज का कोई सेंस बनेगा नहीं। तो मतलब रोमन रेंज के पास जब तक टाइटल है तब तक रोमन रेंज है, तब तक रोमन रेंज का वैल्यू है पूरा। और अगर डब्ल्यू वाले को रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोवा का मैच करवाना है तो भाई इसी टाइटल रेन के अंदर करवाना होगा। ये एक बहुत बड़ा रीजन है क्यों रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 के अंदर सक्सेसफुली अपने चैंपियंस बेल्ट को रिटेन
अटेंड करने वाले हैं। बात करते हैं ऑस्टिन थ्योरी के बारे में, तो भाई ये रिपोर्ट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि डब्ल्यू वाले ऑस्टिन थ्योरी को फिर से एक बेबी फेस रेसलर बनाना चाहते हैं। लिटरली भाई ऑस्टिन थ्योरी का करंट टाइम जो करेक्टर चल रहा है भाई वो बिल्कुल फुद्दू करेक्टर चल रहा है, बिल्कुल बकवास करेक्टर चल रहा है। ऑलरेडी मैं 100 बार इस बात को बोल चुका हूं कि डब्ल्यू डब्ल्यू वाले पिछले एक साल से ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल मतलब उनके साथ बकवास चीज किए जा रही है। भाई अब जो रिपोर्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग डब्ल्यू वाले ऑस्टिन थ्योरी को एक बेबी फेस ऑस्टिन थ्योरी बनाने का प्रोग्राम कर रही है। भाई ये एक बहुत अच्छा चीज है, डब्ल्यू वालों को स्पेशली ये कदम जरूर से उठाना चाहिए ऑस्टिन थ्योरी के लिए। आप लोग खुद समझो यार, ये बंदा एक साल पहले कितना हाईलाइट में रहता था डब्ल्यू डब्ल्यू कंपनी का, इसको फ्यूचर कहा जाता था, भाई अब करेंट टाइम में इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल फुद्दू बन चुके हमारे ऑस्टिन थ्योरी। नेक्स्ट बात करते हैं 2024 के मनी इन द बैंक विनर के बारे में, तो भाई 2024 के मनी इन द बैंक विनर कौन होने वाला इसके बारे में करेंट टाइम में कोई भी डिस्कशन नहीं चल रहा। करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डब्ल्यू वाले सिर्फ करेंट टाइम में दो ही चीज को लेकर प्लान करे, एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर उनको क्या करवाना है, साथ ही साथ रेसलमेनिया 40 के अंदर क्या करवाना है। मनी इन द बैंक कौन सा रेसलर विन करने वाला इसके बारे में करेंट टाइम में लोग बात ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। भाई मनी इन द बैंक अभी जुलाई मंथ के अंदर आता है, तो मेरे ख्याल से अभी 3-4 महीने अभी उसके लिए मतलब आराम से टाइम भी है। नेक्स्ट बात करते हैं मर्सिडीज मोने या फिर सासा बैंक्स के बारे में, तो भाई 13 मार्च को मतलब ऐसा AEW वाले टीज करे कि शायद से सासा बैंक्स आ सकते हैं उनके कंपनी के अंदर। मैं इनके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करता, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ 13 मार्च का टीज हो रहा है कि सासा बैंक्स ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं एले नाइट के बारे में, तो भाई एले नाइट रिसेंट टाइम इस बात को मतलब बताए कि ब्रे वाइट ही वो रेसलर थे जिनके वजह से उनके लाइफ के अंदर स्पॉटलाइट मिला था। अगर आपको नहीं पता तो भाई एले नाइट पिछले 20 सालों से अलग अलग कंपनी के अंदर रेसलिंग कर रहे थे पर उनको पहचान नहीं मिला, पर फाइनली जब ब्रे वाइट के साथ उनका जब रिवलरी स्टार्ट हुआ था उसके बाद एले नाइट एक बहुत बड़े रेसलर बनकर उभर कर सामने आए। मेरे ख्याल से इसके लिए रिसेंट टाइम मतलब क्रेडिट दे रहे हैं कि मतलब हाँ जो भी मैं बना हूँ आज करेंट टाइम में ब्रे वाइट के वजह से मैं बना। नेक्स्ट बात करते हैं सेथ रॉलेंस के बारे में, तो भाई सेथ रॉलेंस ने रिसेंट टाइम में रॉक को एडवाइस दिया कि भाई सारा काम छोड़ सर के तुम वापस हॉलीवुड के अंदर चले जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं, ना ही तुम्हारा यहाँ पर धंधा वगैरह चलने वाला, जो भी पैसा वगैरह कमाना है सारा चीज जाकर तुम हॉलीवुड के अंदर कमाओ। तो भाई अगर हम लोग स्पेशली सेथ रॉलेंस के बारे में बात करें तो भाई सेथ रॉलेंस शॉट तो ले रहे मतलब रॉक के ऊपर, भाई मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले इनके बीच में मैच नहीं करवाने वाले। मेरे ख्याल से भाई ये सच में बहुत ऑकवर्ड हो जाने वाला डब्ल्यू वाले अगर इस चीज को करवाएगी, डब्ल्यू वाले अगर इस चीज को करवाएगी तो भाई वो बेकार में एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर टूर्नामेंट क्यों करवा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रामा बुल दी रॉक के बारे में, तो भाई रॉक ने फिर से कोडी रोड्स के ऊपर स्टेटमेंट दे दिया कि जब फैमिली का बात आता है तो रॉक मतलब किस तरीके से पलट जाता है। लोगों ने शायद से देखा ही होगा स्मैकडाउन के ऊपर किस तरीके से कोडी रोड्स ने रॉक का स्वागत किया था, पर अगले ही दिन रॉक ने थप्पड़ मार दिया था कोडी रोड्स। रॉक मतलब बार बार इस बात को बोल रहे कि फैमिली के ऊपर नहीं जाने का, फैमिली के ऊपर अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ यही हश्र होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डेवन प्रीस्ट के बारे में, तो भाई फाइनली डेवन प्रीस्ट ने अपने बारे में कुछ बोला, भाई सच में इसको सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। डेवन प्रीस्ट बोलते कि मैं आखिर अपना मनी इन द बैंक करूं किसके पीछे, सेथ रॉलेंस जो करेंट टाइम में इंजर्ड है, रोमन रेंज भाई मैच के अंदर रेसल ही नहीं करता, तो मैं आखिर अपना मनी इन द बैंक को कैश इन करूं मतलब किसके पीछे। साथ ही साथ डेवन प्रीस्ट ने इस बात को भी बोला कि जुलाई से पहले वो अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर देने वाले 100%। भाई मैं तो इस बात को भूल गया था कि एलिमिनेशन चैंबर के अंदर ना ही रोमन रेंज अपना टाइटल डिफेंस करने वाला, ना ही सेथ रॉलेंस अपना टाइटल को डिफेंस करने वाला। भाई अब मेरे ख्याल से सिर्फ रेसलमेनिया 40 एक ऐसा मौका मिलता है जहां पर इनको अपना मनी इन द बैंक कैश इन करना होगा। भाई आपको क्या लगता है रेसलमेनिया 40 के अंदर हमारे डेवन प्रीस्ट अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने वाले या फिर नहीं करने वाले। नेक्स्ट बात करते हैं सोनिया डेवल के बारे में, तो भाई सोनिया डेवल की जो गर्लफ्रेंड थी आप लोग उनके साथ इनका फोटो देख सकते हैं जिनके साथ उनका कल के दिन शादी हुआ, तो वैसे कोई ये रिपोर्ट नहीं था, बस मैं मजे में आपको दिखा दिया। बात करते हैं बैकी लिंच के बारे में, तो भाई बैकी लिंच रिसेंट टाइम एक बुक को लिखी है, मतलब अपने पूरा डॉक्यूमेंट्री को लिखी है। अब ये करेंट टाइम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि लोग जब उस बुक को पढ़ते हैं तो मतलब किस तरीके से अपना रिस्पॉन्ड हो देते हैं। भाई अगर बैकी लिंच का बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो भाई बेशक आप लोग पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं डेवन प्रीस्ट के बारे में, तो भाई डेवन प्रीस्ट ने आर्ट्रूथ के बारे में इस चीज को बोला कि आर्ट्रूथ कोई मतलब जजमेंट डे का मेंबर नहीं है। जिस तरीके से लाफिंग बुद्धा को अपने घर के अंदर लाते हो, एक टॉय को अपने घर में लाते हो ताकि मतलब थोड़ा सा खुशी मिल सके, उसी तरीके से एक हैप्पीनेस है आर्ट्रूथ। आर्ट्रूथ जजमेंट डे के अंदर बस एक लकी जैम आप लोग कह सकते हो उस तरीके का है, मतलब ये कोई मतलब मेंबर नहीं है। वैसे भाई कल के दिन फिर से आर्ट्रूथ का मैच भी है, तो भाई अब देखते हैं इस मैच के अंदर क्या कुछ होता है, बहुत मजा आने वाला है मेरे ख्याल से। बात करते हैं स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच के बारे में, तो भाई ये दोनों फिर से रिसेंट टाइम में साथ हो चुके हैं, रिसेंट टाइम में इनका फोटो भी निकल कर सामने आया। और भाई अगर आपको नहीं पता तो भाई 5-6 महीने पहले ऐसा रूमर आया था कि शायद से मतलब इनका डिवोर्स भी हो सकता है। भाई ये काफी अच्छा बात है, इनके बीच में डिवोर्स नहीं हुआ, शायद से अब स्टेफनी मैकमैन बहुत ही जल्द डब्ल्यू डब्ल्यू कंपनी के अंदर आपको फिर से देखने को भी मिलने वाली है, क्योंकि मैं आपको कल के दिन बताया था स्टेफनी मैकमैन शायद से अपना फिर से पोजीशन के ऊपर वापस आ सकता है। वैसे भाई स्टोन कोल्ड का रिसेंट टाइम भाई एक मूवी लॉन्च हो रहा है जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं स्टोन कोल्ड का कितना खतरनाक वाला लुक यहाँ पर बन रहा है। भाई कल का मंडे नाइट रॉ का अगर आपको सबसे पहले अपडेट जानना है तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, सारे लोग वीडियो को लाइक कर देगा, जिन लोगों को मेरे से बात करना है इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं सारे लोग।